हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? दोस्तों आज मैं बात करूंगी अपने इस रोज प्लांट के संबंध में। मैं एक साल पहले खरीदी थी और देखिए कितना हेल्दी है और प्लांट और कितना सारा इसमें फ्लावर खिला हुआ है और बहुत सारा कलियाँ भी है। तो मैं इसका केयर कैसे करती हूँ, तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करती हूँ। ये मैं 12 इंच के पॉट में इसे लगाई हुई हूँ और बहुत वेल्ड्रेन मिट्टी में इसमें तैयार की हूँ। देखिए दोस्तों, ज़रा सा ही ये जो खुरपी है उससे मैं मिट्टी हटा रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा से ये मिट्टी हट जा रहा है। मैं 20-25 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई कर देती हूँ, हल्का हल्का गुड़ाई कर देती हूँ। बहुत अच्छे से ये मिट्टी अच्छी है तो बहुत अच्छे से गुड़ाई हो जाता है। और घर में जो मैं चाय बनाती हूँ और उससे चाय पत्ती जो होता है वेस्ट, उसे मैं 3-4 पानी से धो करके और इसे सुखा लेती हूँ अच्छी तरह। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, अपने प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैं इसे सुखा ली हूँ 3-4 दिन धूप में, और ये अच्छी तरह से जब ये सूख जाता है तो मैं इसे स्टोर करके भी रख लेती हूँ। स्टोर की हूँ वही मैं अभी प्लांट में डालूँगी दोस्तों। तो एक छोटा सा बॉल रखी हूँ मैं रोज प्लांट के लिए रखी हूँ मैं, वो मैं नाप करके 2 मुट्ठी मैं निकालूंगी और इसे चम्मच से मैं डालूंगी। ज़्यादा भी नहीं डालना है जिससे आपके प्लांट की रूट ख़राब हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है तो इसे थोड़ा सा रूट से हटा करके मैं 3-4 चम्मच इसमें डाल दूंगी दोस्तों, क्योंकि ये 12 इंच का पॉट है। आपका यदि पॉट छोटा है तो 2 चम्मच ही डालिए। डाल देने के बाद इसे हल्की हल्की सी मिक्स कीजिए, मिट्टी को हल्का कर दीजिए थोड़ा। उस मैं अच्छे तरह से इसे मिक्स करूंगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं कितने अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ, और इस चाय पत्ती को मैं हर एक महीने में थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ दोस्तों। आप भी अपने गुलाब को यदि अच्छा हेल्दी और खूब ज़्यादा फूल देने वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें चाय पत्ती ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा होता। और ये देखिए दोस्तों, मैं मिला दी उसे। यहाँ देखिए ये जो नीचे से जो ये ब्रांच निकल रहा है, ये ग्राफ्टेड होता है और ये हाइब्रिड रोज है, तो ये नीचे से जो भी ब्रांच इसमें निकलता है वो जंगली होता है, वो कोई काम का नहीं होता है, उसमें फूल नहीं आता है, वो अनावश्यक प्लांट का एनर्जी लेता है, इसलिए उसे हटा ही दीजिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। मैं जब भी उससे नीचे से कोई ब्रांच निकलता है रूट से जस्ट पास थोड़ा ऊपर, तो मैं उसे हटा देती हूँ, उसमें फ्लावर कभी भी नहीं आता है, वो बेकार होता है, जंगली होता है। तो देखिए मैं इसे हटा दी, और जिस ब्रांच से फूल निकल चुका है वो भी बेकार है, उसे थोड़ा सा नीचे से जहाँ से फूल आप निकाले हैं उसे 2-3 इंच नीचे से कट करके हटा दीजिए। और उसमें मैं देखिए हल्दी रखी हूँ, हल्दी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड पाउडर होता है, आपके घर में सभी के घर में ये हल्दी उपलब्ध होता है, तो बड़ी आसानी से ये यूज में आ जाता है दोस्तों। इसे मैं कॉटन में लगा दी हूँ, और देखिए जो ब्रांच ऊपर से जो इसका मैं कटिंग की थी उसमें लगा दी और नीचे भी लगा दी। हल्दी लगा देने से किसी तरह का कोई कीड़ा या फंगस उसमें अटैक नहीं करेगा, वो ब्रांच एकदम हेल्दी रहेगा। यहाँ देखिए मैं एक मग पानी ली हूँ और इसे 1 चम्मच हल्दी मैं इस पानी में अच्छी तरह से रख के मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, आपके प्लांट में कोई लीप में किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगेगा। इससे आप देखिए मैं इसमें डालूंगी इसे 1 मग पानी, और बहुत सारा मेरे प्लांट है उसमें भी मैं स्प्रे कर दूंगी इससे। यहाँ देखिए मैं गुलाब पे ही इसको डाल रही हूँ, पानी के बदला में मैं इसे ही डालूंगी। गुलाब में ज़्यादा पानी नहीं डालिए, ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाता है, उतना ही पानी डालिए जो ये मिट्टी इसका सोख ले और प्लांट हेल्दी रहे दोस्तों। मैं ऊपर से नीचे तक इसमें डाल दी हूँ, इसके लीफ में किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा और ये प्लांट एकदम से हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको गुलाब के संबंध में ढेर सारी बातें बताई। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।